नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंप्लीफाइड मेडिकल इन्फॉर्मेशन देता हूं और सारी जानकारी यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से डायरेक्टली रेफरेंस होती है, ऑथेंटिक होती है और इसीलिए आप जानकारी पे भरोसा कर सकते हैं। आज दोस्तों वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर, और वर्ल्ड हार्ट डे पे हार्ट के बारे में बात ना करें तो फिर गलत हुआ। लेकिन हार्ट के बारे में क्या बात करें, हार्ट अटैक कैसे प्रिवेंट करना है, या हार्ट अटैक कैसे होता है, या हार्ट अटैक हो तो क्या करें? यस, 90% लोगों को यह नहीं पता कि हार्ट अटैक किसी को हो रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए। इमीडिएटली क्या करना चाहिए, व्हाट इज द फर्स्ट एड, व्हाट इज द मेडिकल फर्स्ट एड फॉर अ हार्ट अटैक, क्या करना चाहिए उस वक्त? क्या आप जानते हैं कि एवरेज, ऑन एन एवरेज, हर हार्ट अटैक का पेशेंट एटलीस्ट 3 घंटे तक रुकता है। ऑन एन एवरेज 3 घंटे तक रुकता है किसी हॉस्पिटल, किसी इमरजेंसी, किसी जगह, किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले, जब उसे सिम्टम शुरू होते हैं। ये एवरेज है, क्योंकि होता ही यही है, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट उनको जो छाती में दर्द हो रहा है, उनको जो दिक्कत हो रही है, वो हार्ट अटैक हो सकता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए पिछले 2 डेकेड से, 20 सालों से हार्ट अटैक दुनिया का नंबर 1 किलर डिजीज है। सबसे ज्यादा लोग इसी से मर रहे हैं। सो इसीलिए ये वीडियो इतना जरूरी है कि बता नहीं सकता। सो शेयर दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है। कई लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। ऑन एन एवरेज ज्यादातर लोग 3 घंटा, 2 से 3 घंटा रुकते हैं, लेट हो जाते हैं हार्ट अटैक पहुंचने से पहले। और अगर आप मेरे सारे वीडियो फॉलो करते हैं तो पहले 3 से 6 घंटे गोल्डन पीरियड होते हैं, जिसमें इलाज मिलने पर ही पूरी तरह हार्ट रिकवर हो सकता है। सो इसीलिए फर्स्ट स्टेप जानना, सिम्टम समझना, बीमारी समझना बहुत जरूरी है। बीमारी मैंने आपको पहले भी समझाई है हमारे हार्ट के वीडियोज में, लेकिन फर्स्ट एड के बारे में आज आप बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट एड समझने के लिए थोड़ी सी बीमारी जरूर बताऊंगा। देखिए, सबको पता है हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट को जाने वाली खून की कोई नस, यानी हार्ट के एक हिस्से में जाने वाली खून की नस ब्लॉक हो जाए, वहां या तो क्लॉट आ जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, उसके अंदर क्लॉट आ जाए, या फिर वहां प्लाक हो जाए, एम्बोलिज्म हो जाए, तो अटैक होता है, थ्रोम्बस बन जाए। तो अटैक हो रहा है, उस हिस्से में खून नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, तो हार्ट के उस पर्टिकुलर हिस्से में मसल जो है ऑक्सीजन के बगैर पंप करते 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 मरना शुरू, डैमेज शुरू होगा, डेथ ऑफ दैट मसल सेल्स शुरू होंगी। जब वहां की मसल मरनी शुरू होती है तो ही, तब ही आपको दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, ज्यादातर सेंटर में दर्द होता है। और ज्यादातर ये दर्द रेडिएट होता है शोल्डर में, बाएं हाथ में, कभी गले में, कभी नीचे, और ये कई दफा दर्द पीठ में भी जाता है। ये मैंने पहले समझाया हुआ। लेकिन अगर किसी को न्यूरोपैथी, डायबिटीज है, तो हो सकता है उसे ये दर्द ना हो सकता है उसे साइलेंट अटैक आए। उस केस में उसे हो सकता है सिर्फ पसीना आए। नॉर्मली दर्द के साथ पसीना भी होता है, सांस भी फूलता है, घबराहट भी होती है, धड़कन भी बढ़ती है और बहुत कुछ होता है, चक्कर भी आ सकते हैं, उल्टी भी आ सकती है, राइट? लेकिन हो सकता है आपको सिर्फ पसीना आए, सिर्फ सांस की दिक्कत आए, राइट? सो अगर ऐसा कुछ भी है, सो फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे, पहली चीज आप उस पेशेंट को, उस पर्सन को बैठा दो, लेट देम सिट डाउन एंड रिलैक्स करवाइए, उनको काम डाउन कराइए और खुद भी काम डाउन होइए, पहली चीज। सेकेंड, अगर वो कोई टाइट कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, तो उन्हें लूज करिए, टाइट कपड़े लूज करिए। थर्ड, उनसे पूछिए क्या उन्हें कोई पुरानी दिल की बीमारी, क्या वो कोई हार्ट की दवा लेते हैं, जैसे कोई नाइट्रोग्लिसरीन, सॉर्बिट्रेट, कोई ब्लड थिनर या कोई ऐसी कोई दवा लेते हैं। अगर वो हाँ लेते हैं तो
उनकी हेल्प करिए वो दवा लेने। वो नाइट्रोग्लिसरीन, वो सॉर्बिट्रेट अगर वो समय खा लेते हैं, जबान के नीचे रख लेते हैं सॉर्बिट्रेट, तो वो सॉर्बिट्रेट तुरंत मिनट में, एक मिनट कुछ सेकेंड्स में आपके खून में जाती है जबान के नीचे से। मैंने बताया पहले डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है और वो खून में जाके आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है हार्ट के आसपास के, और सिम्टम में आराम आ जाता है। कई दफा सिर्फ रेस्ट करने भर से आराम आ जाता है। तो अगर रेस्ट करने भर से या वो दवा देने भर से अगले 3 मिनट के अंदर आराम नहीं हुआ, तो वो 3 मिनट के अंदर अंदर आप इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करेंगे, आप एम्बुलेंस कॉल करेंगे, हॉस्पिटल कॉल करेंगे या अपने डॉक्टर को कॉल करेंगे, तुरंत हॉस्पिटल जाने की तैयारी करेंगे 3 मिनट के अंदर। अगर 3 मिनट में आराम नहीं आया, अगर आराम आता है तो भी इट्स बेटर, आराम आता भी है तो भी इट्स बेटर टू गो टू अ हॉस्पिटल। एक बार हॉस्पिटल जाके ईसीजी जरूर करवाइए, ईसीजी जरूर करवाइए। और अगर पर्सन बेहोश हो रहा है, अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है, तब तो तुरंत तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज बुलाइए और सीपीआर शुरू करिए। अगर आप सीपीआर नहीं जानते तो उस पर हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, तब तक आप उसे इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। और अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई इन्फेंट है, कोई चाइल्ड है जो अनकॉन्शियस है, नॉट रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर इमरजेंसी सर्विसेज कॉल करने से पहले ही कम से कम एक मिनट का सीपीआर जरूर करना है। कुछ नहीं तो चेस्ट कंप्रेशंस करिए, चेस्ट कंप्रेशंस करने भर से सीपीआर जरूर हो जाता है। तो ये सब आपको करना है, ये फर्स्ट एड है, ये सब बेसिक है। क्या नहीं करें, उस पर्सन को अकेला नहीं छोड़ना है अनलेस एंड अंटिल आपको इमरजेंसी सर्विसेज खुद लेके आनी है, उन्हें कॉल करना है, कॉल करने के लिए फोन दूर है, उसलिए आप उन्हें किसी के हाथ छोड़ के जा सकते हो, अकेला मत छोड़िए उन्हें। दूसरा, उस पर्सन को डिनाई मत करने दो। कई लोग डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। डिनाई मत करने दो। अगर आपको दिख रहे हैं सिम्टम्स तो टेक द प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस लीजिए, डोंट वेट, वेट मत करिए सिम्टम चले जाएंगे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, नहीं, 3 मिनट 3 मिनट के ऊपर नहीं वेट करना। कई दफा जैसा मैंने कहा सिम्टम्स नहीं आते, तो थोड़े से भी सिम्टम्स लग रहे हैं टेक द प्रिकॉशंस, ईसीजी करवाओ। और उस दौरान उस पर्सन को कुछ भी मुंह से खाने के लिए मत देना, पानी मत देना, सिवाय दवा के। अगर वो कोई दवा ले रहा है नाइट्रोग्लिसरीन तो उसके बगैर, उसके अलावा और कुछ नहीं देना, नो पानी, नो खाना, नो नथिंग, मेक श्योर होता है। और हॉस्पिटल जाइए, तुरंत के तुरंत इलाज कराइए, डॉक्टर से बात करें। ये हुआ फर्स्ट एड, डूज एंड डोंट्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं हार्ट अटैक प्रिवेंट किया जा सकता है, आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे जरूरी, स्मोकिंग, धूल मिट्टी, पोल्यूशन, ट्रैफिक, इनके धूल मिट्टी धुएं से बचिए। इन सब चीजों से आपके हार्ट अटैक के चांसेस डबल हो जाते हैं, 2 गुना हो जाते हैं आपके हार्ट अटैक के चांसेस। दूसरी चीज है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीजें कॉम्बिनेशन में तो बहुत खतरनाक है, अकेले भी खतरनाक है। इन तीनों को कंट्रोल रखना जरूरी है, नॉर्मल लेवल में रखना जरूरी है, रेगुलर चेक करना जरूरी है। अगर इनके बारे में नहीं जानते तो इनके बारे में हमारे वीडियो देख सकते हैं। और चौथी चीज, आपका वजन, हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ओवरवेट है, ओबेस है, तो वजन कम करिए और रेगुलर हेल्दी हार्ट हेल्दी डाइट खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। रेगुलर एक्सरसाइज से हार्ट की हेल्थ बढ़ती है, हार्ट की खुद की क्षमता बढ़ती है। अगर ब्लॉकेज हो भी रहा है तो कोलैटरल्स खुलती हैं रेगुलर एक्सरसाइज करने भर से, रेगुलर एक्सरसाइज करने भर से कोलैटरल्स खुलती हैं। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और हार्ट हेल्दी डाइट लीजिए, सैचुरेटेड फैट्स कम करिए, रेड मीट कम करिए, शुगर्स कम करिए, बिस्किट स्वीट्स सारी, घी बटर मक्खन मलाई कम रखिए, राइट। फ्रूट्स ज्यादा खाइए, वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए, लीन प्रोटीन ज्यादा खाइए, होल ग्रेन्स ज्यादा खाइए, राइट। आपके डॉक्टर आपको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर केस में पूरी डाइट कैसी होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा अगर आपको डाउट है तो डैश डाइट फॉलो करिए, डैश डाइट का मेरा वीडियो देख सकते हैं जाके, वो जाके फॉलो कर सकते। और दारू पीना कम कर दो, अगर ज्यादा पी रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा एक ड्रिंक, एक पैग रोज पीने से आपका हार्ट का रिस्क कम हो जाएगा।
अगर आप ज्यादा पीते हैं तो कम कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा पीना, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा रोज पिएंगे तो वो आपके हार्ट का, बीमारियों का रिस्क और बढ़ा देगा। दैट्स द होल थिंग। इतना आपको प्रिकॉशंस लेना होगा। आज वर्ल्ड्स हार्ट डे है, आज ये मैसेज सबसे जरूरी है। जब 20 साल हो गए हैं हार्ट की बीमारी ने हमारी दुनिया पे, हमारी देश पे कब्जा कर रखा है, अब तो जवान लोगों को, यंग लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। आज नहीं अगर सोचेंगे तो कब सोचेंगे? तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। इसे शेयर करिए, अभी करिए, जितना हो सके करिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड।